क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे। इस सथम बालक ने आपके बनाए हुए निशान अद्भुत मनमोहक दिन को अपने कर्तश्य वाणी से दूषित कर दिया। क्षमा करे प्रभु, क्षमा करे, क्षमा करे प्रभु। अंदर जाएंगे तो अशुद्ध हो जाएंगे। एक काम करते, इस घर को बाहर से ही जला देते। हाँ। नहीं, पूरे खानदान को साथ में जलाना है। अंदर जाके जलाएंगे, बाद में पंडित जी शुद्धिकरण करवा लेंगे। चलो चलो। अच्छा हो गया तू इस बूढ़ी नानी और मामा से मिलने आ गई है। अब आइए तो कुछ दिन हमारे साथ रहना। बूढ़ी कौन तू? अरे मेरी नानी से फुर्तीला और कोई हो ही नहीं सकता, जो इस उम्र में भी सारा काम अकेले संभाल रही है। और हाँ, अब मैं आ गई हूँ ना, तो कुछ दिन आप लोगों के साथ ही रहूंगी। बोल क्या यूं? अपनी यानी आपकी बेटी को। अच्छा। समझी? अब उधर कुछ? हाँ मेरी बच्ची। नानी। हाँ? मामा कहाँ रह गए? अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था ना? हाँ आ तो जाना चाहिए था, पता नहीं कैसे समय लग गया इतना। नहीं नहीं, अभी अभी पता चला है उन लोगों ने पुरंजन के घर में आग लगा दी है। कहाँ जा रही है वो? एकदम शांत। सेठ जी, ये पुरंजन की भांजी है, पुरंजन के पूरे घर में आग लगा दी है। बस ये बचकर भाग निकली। नहीं, नहीं, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। चुप बोला ना, चुप। इसे भी इसके नानी के साथ चलते हुए घर में छोड़ देते हैं। इसके मामा की सजा इसे मिलेगी तो शायद अगले जन्म ये अपनी चावत की हैसियत को समझे। नहीं, छोड़ दो, छोड़ दो। लेकिन महाराज, छोड़ दो इस कन्या को। महाराज जी, महाराज मेरी नानी को बचा लीजिए। महाराज जी, इन लोगों ने मेरे मामा के घर में आग लगा दी, मेरी नानी जल के मर जाएंगे। महाराज उन्हें बचा लीजिए, महाराज हमारी मदद करिए। महाराज जी, ये पुरंजन की बहन की बेटी है, वही पुरंजन जिसने गुस्सा और द्वेष आदमी की बुद्धि को खा जाता है। रंजन छोटी जाति का आदमी है, वो क्या है, उसने क्या किया, क्यों किया, इस सब के हिसाब से तुम्हारी प्रतिक्रिया का आना बहुत गलत है, क्योंकि तुम ऊंची जाति के हो और इसीलिए समझदार भी हो
और परिपक्व भी। जाओ, अपने घर जाओ। पर महाराज जी, मेरी रानी। यह हरेक का अंत उस विधाता का लिखा होता है, कोई मारने वाला नहीं होता, कोई बचाने वाला भी नहीं होता। हम सब सिर्फ उसी के माध्यम है। अब ये लोग तुम्हारी नानी को मारने का माध्यम बनना चाहते हैं, तो तुम जाकर उसकी जान बचाने की कोशिश करो। जाओ, अपने घर जाओ और अपने नानी की जान बचाओ। यही उसकी मर्जी है। दीदी, दीदी उठो ना, दीदी उठो, सुबह हो गई। दीदी उठो। दीदी पहले ये बताओ कि अब दूध पियोगी या चाय? मैं सुबह उठकर पूजा किए बिना कुछ खाती पीती नहीं। अरे बेला, चाय का क्या है? और जिसकी आप पूजा करती हो वो देखने थोड़ी ना आने वाला है। आनंद, ये बेला की आस्था है, तो तुम कौन होते उसे रोकने वाले? बेला, तुम पहले पूजा कर लो, फिर जो पसंद हो बता देना, दूध या चाय, ठीक है? लेकिन मेरे नानी और पुरंजन मामा। तुम्हारी नानी बिल्कुल ठीक है बेटा, वो कब घर आएंगी? बेटा, अब तुम्हारी नानी वैद्य के यहाँ है। वैद्य ने कहा कि बहुत जल गई है, इसलिए कुछ दिनों तक वहां रुकना होगा। और पुरंजन मामा, वो कुछ लोग बता रहे थे कि तुम्हारे पुरंजन मामा निरंजन मामा के पास चले गए, और उसने कहा कि तुम्हें हम अपने साथ रखें। चलो, अच्छा ही हुआ, यहां रहता तो झगड़ा करता, लोग उसको नुकसान पहुंचाते। जब माहौल शांत हो जाएगा आ जाएगा। लेकिन बेटा, तब तक तुम यहां आराम से रहो। और हाँ, मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और जरूरी सामान खरीद कर लेकर आया हूं, रख लो। दीदी नहा धोकर पूजा कर लो, फिर बता देना कि दूध पियोगी या चाय। बताइए। उन लोगों ने पुरंजन भाई साहब को मार डाला। पता नहीं, किसी को कुछ पता नहीं पुरंजन का है, और सब लोगों को यही डर है कि कहीं उन लोगों ने पुरंजन को मार ना डालो। तो बाबा, अब हम क्या करें?
वो रोज एक एक को चुन चुन कर मारते रहेंगे तो अगर पुरंजन को मार डाला है तो हम आरोप किस पर लगाए? किसने मारा? बेटा हमारे पास कोई सबूत नहीं है। तो बाबा अब हम क्या करेंगे? अपना बचाव करेंगे। और बचाव में कई बार आक्रामक होना पड़ता है, लेकिन ये मरने मारने वाला सिलसिला वो या हम रोक नहीं पाएंगे। इसके लिए तटस्थ और प्रभावी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ शासन का डर ही है जो उन लोगों को रोक सकता है। चल रहा है ना इसलिए, लेकिन तुम चिंता ना करो, बहुत जल्दी वो तुमसे बात करने लगेंगे। लेकिन कब बैजी? फिलहाल तो मैं यही कह सकता हूँ कि बहुत जल्दी वो ठीक हो जाएगी। हैं? बस किसी तरह से मेरी नानी ठीक हो जाए। दीदी आपकी नानी ठीक हो जाएगी, लेकिन अगर आप ऐसे रोएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा। अब उन्हें आराम करने दीजिए, हम कल आएंगे उनसे मिलने। चलो तुरंत तुरंत दीदी। वाह वाह बैजी वाह, अपना धर्म अपनी जात सब कुछ सिलबट्टे पे पीस दिया आप? आपने तनिक भी नहीं सोचा अगर आप ऐसी छोटी जात के लोगों का इलाज करेंगे तो ऊंची जात के लोग आपके पास आएंगे नहीं। वैसे आप तो जानते हैं ना, आपका धंधा उन छोटी जात के लोगों की वजह से नहीं चलता, हमारी वजह से चलता है, ऊंची जात के लोगों की वजह से। फिर क्यों क्यों आप अपना धंधा डुबाना चाहते हैं? वैजी वैद, तुझे समझ नहीं आ रहा क्या? देखो वैद्य सिलबट्टे पर जब कुछ पीसता है तो सिर्फ जीवन रक्षक औषधि तैयार करता है, और जहां तक मेरा अनुभव है जीवन रक्षक औषधि ऊंची जात और छोटी जात में कोई फर्क नहीं करती, तो फिर मैं फर्क करने वाला कौन होता हूँ? और वैद्य का कार्य सिर्फ धंधा नहीं होता है, उसका काम बड़ी जाति छोटी जाति अमीर गरीब और औरत मर्द में फर्क किए बिना इलाज करना होता है। और शायद आप भी अपने चोटों की दवा लेने आए हैं, वैची आप इन्हें भी दवा दे दीजिए। मैं दवा लाता हूँ। भीमराव बहुत बोल रहा है तू, तुझे तो हम बाद में देख लेंगे। इतने दिनों से हम दोनों देख ही तो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आप हमें जीवित ना रहने देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं, और आप ऐसा देख रहे हैं कि हम संघर्ष कर सकते हैं और कर रहे हैं। ये चलता रहेगा और इसके सिवा देखने के लिए बचा ही क्या है?
सिवाय उसके कि पुरंजन काका कहाँ है। मुझे क्या पता पुरंजन कहाँ गया। दीदी हम कल आते आपकी नानी से मिलने, चलिए। ये लो, सुबह शाम गुनगुने पानी से ले लेना, ये चोट ठीक हो जाएगी। अंदाजा नहीं है चोट किसे लगने वाली है और तकलीफ किसे होने वाली है, और उस तकलीफ का इलाज वैद तुम्हारे पास भी नहीं होगा। हम एक काम करें, हम सब मिलकर छुपम छुपाई खेलें। सही कह रहे हो भाला भैया, पर बेला तो नहीं खेलेगी, दुखी है ना। ऐसा नहीं है आनंद भैया, हम लोग भी तो दुखी है ना, और बाबा ही तो कहते हैं कि दुख को झेलने के लिए कई बार दुख से ध्यान हटाना भी पड़ता है, इसलिए हम भी खेलेंगे और बेला दीदी भी खेलेगी। दीदी खेलोगे ना? खेलो ना बेला। हाँ बेला खेलो ना। दीदी खेलो ना। तो दीदी आप वहां जाकर 20 तक गिनिए, तब तक हम लोग चुप जाएंगे और फिर आप हमें खोजना, ठीक है? आगे बंद कर लेना दीदी। दीदी हम लोग छुपने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक है, चलो छुपते। चल। एक दो तीन चार पांच छह। भैया बाबा खुले गरम भाकरी उतार रही है। मामी ये देखो भीम ने बांध दिया। अरे वाह, अरे भीम ने ऐसे कैसे बनाया है? बुआ उसके बाहर उलझ कर चिपक गए थे तो उसे ही सुलझा रहा था, तो ऐसे ही बांध दिया। भीम ऐसा ही है, जब भी हमें अच्छे से बैल बनाने का मन करता है तो हम उससे ही कहते हैं, कभी भी उससे चंपी कराना, बहुत अच्छे से करता है। बीवा कहाँ है? वो हाथ धोकर आ रहा है। ठीक है वो आ जाएगा, शुरू करो। सामने मैं कैसे जा सकती हूँ, किससे कहूँ, कैसे कहूँ? आप लोगों ने लड़ाई शुरू तो कर ही दी है, तो अब हम सब लड़ेंगे, लेकिन यहाँ से कहीं जाएंगे नहीं। जो कानून आज नहीं है वो कल को हो, कैसे लोग आकर बहस ना कर सके बल्कि उन्हें सजा मिले। तो तय रहा कि आप में से कोई भी हमारे पानी पर रोक लगाने नहीं आएगा, पर मैं तो कहता हूँ कि रोक लगा ही नहीं पाएगा। क्यों ना मैं भीमराव को बता दूं, ये महाराज से बहस भी कर लेता है, महाराज की मंशा इसे ही बताती हूँ। भीम
चल मेरे साथ, अब महाराज तुझे दंड देंगे, चल। मुझे छोड़ दीजिए, एक बच्चे की जिंदगी बच जाएगी, आपकी भी तो माँ बेटी होगी, उनका स्मरण करके छोड़ दीजिए। महाराज की इच्छा से ज्यादा कुछ उचित नहीं है, चल। ये लीजिए। ये भागकर भीमराव को उस लड़की के बारे में बताने गई थी। इच्छा इसकी, इच्छा तो कभी भी जन्म ले सकती है, किंतु यह आवश्यक नहीं कि उत्पन्न होने वाली हर इच्छा मनुष्य के कर्म और धन के अनुकूल हो। कई बार ऐसे भी होता है कि प्रतिकूल और विरोधी इच्छा भी उत्पन्न होती है, किंतु वो पाप होता है और हर पाप की सजा होती है। पाप को दया दिखाना पापी को बढ़ावा देने के बराबर होता है, इसलिए इस लड़की को भी सजा अवश्य मिलेगी। हो गया महाराज, अब चलने की आज्ञा दीजिए, मार्ग का अवरोधक तो अब हट चुका है। अवश्य, किंतु जाने से पहले इस लड़की को दो थप्पड़ खींच के मारो। इसने मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने की जरूरत की है। जी महाराज। गंगा जल्दी जा, मना के बाहर आने से पहले सब कुछ हो जाए। कैसे करूंगी, कोई देखने का तो। हाँ, क्या तुम अपनी बातों से इन लोगों का ध्यान बटा सकते हो? तो मैं पीछे के रास्ते से बेला के पास जाती हूँ, अगर मिल पाई तो उसे बचा सकते हो। ठीक है? ठीक है चीचा। क्या करेगा? ए रुक, क्या कर रही है तू? छोड़ दो मेरी दीदी को, नहीं तो मैं खुद को चला दूंगा, और मेरे बाबू फौज में रहे हैं, कोई नहीं बचेगा। भीम बेटा मेरी बात सुनो, भीम क्या कर रहा है? जला ले, अच्छा है, बहुत बहन बहन करता है ना, भाई की आहुति हो जाएगी और बहन देवताओं को समर्पित हो जाएगी। जला ले। दीदी दीदी, आप चाहे तो बेला बच सकती हो देवदासी बनने से। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ दीदी, बचा लीजिए उस मासूम से बच्ची को, बचा लीजिए। अब तुम जाओ यहाँ से, कोई देख लेगा तो दिक्कत हो जाएगी। दीदी जाओ। तुम चाहो तो स्वयं इस हवन कुंड में आत्मदाह कर सकते हो। मैं अकेले आत्मदाह नहीं करूंगा महाराज, क्योंकि मेरे समाज के कई लोग आकर यहाँ आत्मदाह करेंगे, और फिर ये कब तक चलता रहेगा? जब तक आप मेरी दीदी को छोड़ नहीं देते। जिसे ईश्वर ने चुना है उसके लिए विद्रोह करने वाले तुम कौन होते हो भीमराव?
मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मेरे नातिन को अपने सेवा के लिए चुना है और उसका जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा। उसकी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होकर मुझे बैकुंठ धाम भेजेंगे। ये मेरे शरीर के घाव है, ये मेरे पापों की वजह से हैं, जिसे मेरी बेटी की बेटी पुण्य और ईश्वर सेवा से काटेगी। सुन लिया तुमने भीमराव, ये कन्या तुम्हारे रिश्ते में कुछ नहीं लगती, लेकिन ये औरत जो बोल रही है वो इस कन्या की नानी है। इसीलिए दूसरों के कार्य में टांग अड़ाना बंद कर दो। नहीं दादी, ये आपके गाँव आपके पापों की वजह से नहीं है, बल्कि इन लोगों के अत्याचारों की वजह से। और क्या किसी को उसकी इच्छा के विरुद्ध किसी के दासी बनाया जाए अनुचित नहीं है? देवी देवता के खिलाफ ऐसी बातें करने का साहस तुम्हें किसने दिया? और तुम्हें पता है कि तुम्हारी इस गलती की सजा ऊपर वाला कैसे देगा? ऊपर वाले से डरो। दादी, ऊपर वाले के नाम पे तो ये लोग हमें सजा देते हैं। उनकी बातों में मत आइए, मेरा दीदी को छुड़वाने की बात करिए। बस अब मुझे देवी देवताओं के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनना है। पूरी दुनिया जिसकी पूजा करती है अब तुम्हें उसमें भी खोट नजर आने लगी है। तुम लोगों के बहकावे में आकर मेरा बेटा पुनंजन न जाने कहां चला गया, मेरा घर उजड़ गया। अब मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। भीम, इधर आ। ये तेरी बात कोई नहीं सुनेगा। हाँ भीमा, आजा। आज पहली बार उचित बात किए हो राम जी। कामों क्या ना दे दे। हाँ, अब बस सब उस देवदासी के हाथ में। दीदी, आप मुझे अपना भाई भी मानती हो, हम सबको अपना परिवार भी मानती हो और शुक्रिया भी कह रही हो। अच्छा ठीक है, आज से नहीं कहूंगी। और हाँ, आज से ना तुम मेरे भाई हो और ना ही आप सब मेरा परिवार। क्योंकि ईश्वर है आप सब मेरे लिए। जिस ईश्वर की मैं जीवन भर पूजा करती रही, सुबह उठकर पूजा के बिना दूध भी नहीं पीती थी, आज उसे ईश्वर के नाम पर मेरे साथ कितना गलत होने वाला था। मगर वो लोग जिस ईश्वर को मानते हैं वो ईश्वर अलग है, और तुम जिस ईश्वर की पूजा करती हो वो ईश्वर अलग है। मतलब देखो बेटी, वो ईश्वर एक शक्ति स्रोत है, तुम्हें जिसकी पूजा करके जिसके प्रति आस्था रखकर शक्ति मिलती हो, आगे बढ़ने के लिए रोशनी मिलती हो, उसकी पूजा करो। वो सही मायने में ईश्वर है। लेकिन ये लोग ईश्वर के नाम पर पाखंड और भय की खेती करते हैं। बेला, बेला घर चलो।
मैं धन्य हो गई। ईश्वर ने मेरे नातिन को अपने सेवा के लिए चुना है और उसका जीवन ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा। उसकी भक्ति से ईश्वर भी प्रसन्न होकर मुझे बैकुंठ धाम भेजेंगे। राम जी, मैं सबसे माफी मांगती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वहां पर जो भी मैंने कहा उस वक्त की भावना थी, गलत थी सही थी पता नहीं, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था। क्या करूं, हमें तो यही बताया जाता है ना कि ईश्वर जिसे चुनता है उसे अपने सेवा में ले लेता है, लेकिन अब मुझे पता चला कि मैं बहुत गलत थी। किसी को जबरन ईश्वर तो क्या किसी की सेवा नहीं करा सकते। इस गलती का पछतावा मैं अपने नातिन को बहुत बहुत प्यार करूंगी बच्चे, और देर रात तक जाकर तुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाऊंगी। आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मगर नानी, मुझे आपके साथ नहीं जाना। मैं मानती हूँ कि आपकी गलती नहीं थी, पर मुझे नहीं जाना आपके साथ। बेटा, मैंने जो भी कहा है सैकड़ों सालों से यही सब चलता आ रहा है। देखा जाए तो मैं भी गलत नहीं हूँ बच्चे, मेरी बात को समझ। लेकिन मैं मानता हूँ आपको गलत, आपको और आपके जैसे उन तमाम लोगों को जो अपने घर की बेटी को देवदासी संस्था से ना सिर्फ बनाने देते बल्कि उसे महामंडित भी करते हैं, जिससे वो प्रभु के चरणों में चली जाएगी और आपको वैकुंठ मिल जाएगा। लेकिन दादी, अपनों के आंसू को बहाकर कोई ईश्वर खुश नहीं होता और ना ही कोई वैकुंठ मिलता। इसलिए अगर बेला दीदी आपके साथ नहीं जाना चाहती तो नहीं जाएगी, ये उनका फैसला है, ये मान लीजिए। बेटी, घर चल बच्चे। समर्पण ही नहीं था, प्रभु की भक्ति के लिए समर्पण का होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। वो यदि होता तो ईश्वर का दिया हुआ जीवन ये लड़की इस तरह से नष्ट नहीं करती। जिस मंदिर को आप ईश्वर का घर समझते हो और इस महाराज को उसका प्रतिनिधि, उस पर ऐसे आरोप न लगाती है। नर्क जाएगी ये, जिसकी लाश को इसी तरह लटकता हुआ छोड़ दो। ईश्वर की सेवा से भाग निकलने की यही सजा पर्याप्त है इसके लिए। चले जाओ सब लोग यहाँ से। हाँ महाराज, आप तो सबको भेजेंगे ही ना, क्योंकि लोग यहाँ रहेंगे तो ये लटकती हुई लाश और उनसे लिखी हुई आप बीते को तो पढ़ेंगे। आपसे सवाल पूछे या ना पूछे, मगर मन में सवाल जरूर पैदा होगा कि आपका नाम इस बैलगाड़ी पर इस तरह से क्यों लिखा गया। और आप तो सवालों से ही तो भागते हैं, यह बता दीजिए कि कौन सा घृणित इच्छा आप में और आपके तौर तरीकों में पनप रही है, बता दीजिए। तो सिर्फ सवाल पूछ पूछ कर ये समझने लगा है कि संसार का सबसे बड़ा बुद्धिमान आदमी तू है।
मिटा दो इस लिखे को। रुक जाओ, आपको इन सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, ये नहीं मिटेगा। मूर्ख, अधम, अज्ञानी, तू क्या जानेगा धर्म और कर्म की बातें? तू सवाल पूछेगा मुझसे और मुझसे जवाब मांगेगा? आप जैसे बुद्धिजीवी तो सारे सवालों के जवाब देते आए हैं महाराज। मैं, भीमराव और इसका पूरा परिवार, हम सब तो छोटी जाति के लोग हैं ना, तो छोटी जाति के लोग धर्म कर्म कहाँ समझते हैं? ये सब तो सर आपका ही जिम्मा है ना महाराज। ये लोग मुझे सिर्फ 4 दिन से जानते थे और इन लोगों ने मुझे अपना बना लिया, अपने घर में रहने की जगह दे दी, और आप तो इन्हें कितने सालों से जानते हैं ना, फिर भी आपके दिल में इनके लिए कितनी घृणा है कि आप क्या ना इनका लटकता हुआ शरीर ऐसे ही छोड़ दे। तो यही तो सब जानना चाहते हैं महाराज कि आप क्यों ऐसा कर रहे हैं। चुप कर लड़की, हैसियत देख पहले अपनी। छटांग सी लड़की महाराज जी से जुबान लड़ाती है। मैं दीदी की कसम खाकर कहती हूँ कि मैं जीवन भर इस बात के लिए लड़ती रहूंगी कि कभी भी कोई लड़की देवदासी ना बने। छटाक सी लड़की हूँ ना मैं, देख लीजिएगा आप लोग, एक दिन यही लड़की आप जैसे लोगों की दुश्मन होगी। और मैं भी दीदी का साथ हूँ। और मैं भी। एक गुरु होने के नाते मैं इन बच्चों का साथ अवश्य दूंगा। और महाराज जी, कुछ लोग इसी तरह प्रथा के खिलाफ इकट्ठा होने लगे तो आपके लिए भी आसान नहीं होगा कि साजिश के तहत जब चाह किसी के घर से किसी बच्ची को उठा लेंगे और उसे देवदासी बना देंगे। देख लीजिए, यही प्रमाण है कि जब धर्म विरोधी शक्तियां एक साथ मिल जाती है और धर्म का विनाश कर देती है। अगर इन लोगों ने अपने आप को हमारा दुश्मन मान लिया है तो आपको यह समझाने की जरूरत नहीं है कि एक दुश्मन के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। कर रहे हो बाबा? आपने कहा ना कि फिलहाल ये सवाल खामोश है। तो चलो इसे एक आवाज देते हैं। साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव। मतलब साहिब मेरे भीमराव, साहिब मेरे भीमराव।
ठीक है? ठीक है, भीम जैसा चाहता है वैसा करने में हम इसकी मदद करेंगे। इससे भी कुछ नहीं होगा। वैसे तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है भीमा भाई, कुछ करके देखते हैं। ले लो आनंद भैया। कबीर सीप समंद की रटे प्यास प्यास, समुद्र ही तिनका करी गिने स्वाति बूंद की आस, स्वाति बूंद की आस। ये क्या नया नाटक है? नाटक नहीं, जवाब चाहिए। महाराज जी से जाकर कहिए कि इनका जवाब दे, क्योंकि जवाब दिए हुए बिना अब ये मामला शांत नहीं होगा और मैं शांत होने भी नहीं दूंगा। अच्छा, जवाब चाहिए? तो तू अकेले क्या कर लेगा? अकेले नहीं, सवाल पूछता हुआ ये कई जगह पर लगाया गया है। आपको क्या लगा केक को मारकर अब उनके सवालों को दबा देंगे? तो जाइए देखिए, ये उनके जैसे कई तैयार हो गए हैं आप लोगों से सवाल पूछने के लिए। ची 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 ची। लेकिन एक बात तो है ना भाव, कि मरने से पहले इंसान झूठ नहीं बोलता, और उस देवदासी ने अगर लिखा है कि ईश्वर का उसको अनुभव ही नहीं, तो फिर भगवान को समर्पित का मतलब क्या? बात तो तुम्हारी सही लग रही है, लेकिन महाराज ऐसे ही थोड़ी किसी को दासी बना देंगे। महाराज की बेइज्जती के लिए किया गया ये सब कुछ। अरे बेइज्जती क्या, महाराज से जवाब तो मांगना ही चाहिए। अभी तक महाराज के पास खबर पहुंच गई होगी कि सतारा की हर गली में दीदी के सवाल बिखरे जिनके जवाब महाराज को देने। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोगों के सवालों के जवाब में महाराज ये सब कुछ सच बता देंगे? आप बहुत सौभाग्यशाली हैं, इस देवदासी ने आप सबकी जमीन को छू लिया। ये किताबों में लिखा है कि देवदासियां जिस जमीन पर मरती हैं वहीं अगर उस गांव के लोग भी मरे तो वो मोक्ष को प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े सवालों को ये लोग धर्म के नाम पर दबा देते हैं,
और ऐसा किताबों में लिखा है, ये कहकर लोगों को भरमा देते हैं। तुम भी इस लकीर को तभी मिटा पाओगे जब किसी की परवाह किए बिना पढ़ोगे, ज्ञान प्राप्त करोगे। इंसान की हैसियत जब बड़ी हो जाती है तो बाकी चीजें अपने आप छोटी हो जाती है। गुस्सा हो, क्षोभ हो, दुख हो, खुशी हो, हर भावना को किताबों के साथ बांटोगे तो तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। जब हर कोई व्यक्ति तुम्हारा साथ छोड़ता है, जब पूरा संसार तुम्हें समझना छोड़ते है, तो तुम किताबों के पास जाओ, वो तुम्हें समझेगी, वो तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। काम पे जा रहा हूं। रुकिए। लीजिए। ध्यान रखना। हाँ। नहीं मैं विद्यालय जा रहा हूँ। रुक रुक रुक। देख बीबा, बाहर अभी हालात ठीक नहीं है। हाँ? तू दो चार दिन के बाद स्कूल चले जाना। हाँ? चल। आई। आप अभी भी नहीं समझी? ऐसे हालात कभी नहीं बनेंगे जब महाराज जी, सीट जी और चाय वाले काका जैसे लोग किसी भीमराव को पढ़ने जाने देंगे। इसलिए जो है उसी में पढ़ना होगा और सीखना होगा। ही आई आई, आप चिंता मत करो, मैं भी जा रहा हूँ भीम के साथ। अगर वो लोग कुछ नाटक करेंगे तो देख लेंगे। रुको, मैं खाना लेके आती हूँ। अरे भीमराव, घर वापिस चलो, विद्यालय जाने का कोई फायदा नहीं, अभी पढ़ाई नहीं होगी वहां। लेकिन क्यों गुरुजी, पढ़ाई क्यों नहीं होगी? क्योंकि सर्वज्ञ महाराज ने विद्यालय के प्रांगण में 1.5 महीने तक प्रवचन देने का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। जरूर महाराज ने जानबूझकर किया होगा ताकि भीम पढ़ ना सके। भीम की पढ़ाई रोकना चाहते हैं। तो चलिए गुरुजी, हम उनसे बात करते हैं। बेटा वहाँ हजारों की संख्या में लोग आए हैं, सब धर्म के नाम पे अंधे हो चुके हैं, और ऐसे अंधे लोगों के बीच में जाने का कोई फायदा नहीं है। चलो वापस घर चलो। लेकिन गुरुजी, हम पढ़ाई कैसे कर पाएंगे? कोई ना कोई रास्ता निकलेगा भीम। जोर से बजाओ भाई, जोर से।
शुरुआत हो गई है भीमराव की पढ़ाई रोकने की, उसके परिवार को कमजोर करने की। वैसे भी संघर्ष करने और जूझने का बड़ा शौक है ना उस परिवार को, तो वो भी अभी देख लेंगे कि संघर्ष करते करते कैसे सब कुछ समाप्त हो जाता है। पढ़ो, पढ़ के प्रवचन दोगे, हम भी देखते हैं कैसे पढ़ते हो। शान शान शान। अब से रोज दिन में विद्यालय में प्रवचन और रोज शाम को सतारा के हर मोहल्ले में बाजा बजाया जाएगा, ऐसा महाराज जी का आदेश है, ताकि नकारात्मक ऊर्जा हमसे दूर रहे। ये लोग सब जानबूझकर कर रहे हैं ताकि हमारा भीम कहीं पर भी पढ़ न सके। चल बेटा। महाराज, ये पूरा इलाका भीमराव राम जी के घर से बहुत डरता है। आपके साथ मैं कई जगहों पर घूमी हूँ, तरह तरह के लोग भी देखे मैंने, लेकिन यहाँ जितने डरपोक लोग कभी नहीं देखे। नहीं, ये लोग, ये समाज डरपोक नहीं है। तो भीमराव और रामजी, ये दो ही लोग हैं छोटी जाति के जो किसी से भी नहीं डरते और बिना डर के इंसान अधर्मी हो जाता है। लेकिन महाराज, अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन रामजी और भीमराव हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नहीं, ये लोग इतने भी मजबूत नहीं बन चुके हैं के धर्म को कोई नुकसान पहुंचा सके। और जब तक धर्म जिंदा है, हम जैसों का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। फिर भी उन लोगों को काबू में करने के बारे में हमें कुछ ना कुछ अवश्य सोचना होगा। तो फिर महाराज, कुछ पल के लिए हमें देवदासी के पद से मुक्त कर दीजिए। आज से पहले भी कई बार हमने मजबूत व्यक्ति के सामाजिक जीवन में उथल पुथल मचाई है, जिससे कि फिर कभी वो अपने पैरों पर खड़े ना हो पाए। तो फिर ये राम जी क्या है? तुम जो सोच रही हो वो बुरा नहीं है। वैसे अगर कामयाब हो गई तो हमारा सारा काम बहुत ही आसान हो जाएगा।